ताजा खबर के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो इस वक्त फुल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर आज मंत्री समूह की बैठक कोलार डैम के रेस्ट हाउस में होगी। बैठक का सिर्फ एक एजेंडा होगा और वो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये एजेंडा बैठक का रखा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ इसके रोडमैप पर मंथन करेंगे। साथ ही मंत्री बताएंगे कि उनका विभाग इस योजना को अगले 3 साल में कैसे पूरा करेगा, क्या टारगेट है उनके, इसके लिए आर्थिक संसाधन कैसे जुटाएंगे। बैठक में मंत्री ये भी बताएंगे कि उनके विभाग की आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कितने रोजगार देने की योजना है। बैठक के दौरान शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर भी चर्चा होगी और किस तरह से योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इसकी पूरी रूपरेखा विभागवार बनाई गई है ताकि 3 साल में इसे पूरा किया जाए। तो आज मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक लेंगे और इसके लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ चुके हैं। वासु, हमने कल भी देखा जिस तरह सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करीब करीब 7-8 घंटे तक बैठक ली, तमाम कलेक्टर्स कमिश्नर सभी से बैठक में बातचीत की और सख्त एक्शन भी लिया मध्य प्रदेश के रोडमैप को लेकर और विकास के रोडमैप को लेकर। आज की यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्या होगा आज? बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाकर हम इस पूरे अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, इसको लेकर आज जो बैठक होने वाली है मंत्रिमंडल समूह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वो अब से कुछ ही देर में शुरू होगी और बेहद महत्वपूर्ण इस पूरी बैठक को माना जा रहा है क्योंकि जो तमाम सारे विभाग हैं, जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे और अभी तक उन्होंने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए क्या रोडमैप तैयार किया है का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देंगे। इस दौरान शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है योजनाओं की क्रियान्वयन की, उनको लेकर विस्तृत रूप से जो चर्चा है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ करेंगे और साफ तौर पर यह भी फीडबैक लेंगे कि कितने समय में जो योजना है उनको किस अमली जामा पहनाया जाएगा, अफसरों को किस तरीके के गाइडेंस देना है, दिशा निर्देश देना है और साथ ही कितने रोजगार देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है रोजगार का। और अगर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को बनाना है तो मध्यप्रदेश के जो नागरिक हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना बेहद आवश्यक होगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरी बैठक में इस बात पे जरूर जोर होगा कि जो मध्यप्रदेश के नौजवान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए, युवा उद्यमी जैसी जो तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को लोन दिया जाए ताकि वो अपने जो उद्योग हैं, अपने जो कारोबार हैं उनकी शुरुआत कर सके, जिससे उनका भी रोजगार हो और उनके साथ जो अन्य लोग जुड़ते हैं उनको भी रोजगार मिल सके। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है कि कृषि को फायदे का धंधा बनाया जाए, किसानों की जो आय है उसको दोगुनी की जाए, उसको लेकर इस पूरी बैठक में रोड मैप कहीं ना कहीं तैयार होगा। हालांकि ये तो बड़ी बड़ी और मोटी मोटी बातें हैं, जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस होगा। और इसके अलावा जो रोज़मर्रा की समस्याएं मध्य प्रदेश के आम लोगों की सामने आती हैं, चाहे बढ़ी हुई महंगाई की बात की जाए, बिजली के बिलों की बात की जाए और तमाम जो समस्याएं हैं उनका किस तरीके से जल्दी निराकरण करके आम लोग हैं जो जनता है उनको राहत दी जाए, ये तमाम मुद्दे आज की मंत्री समूह की बैठक में होंगे। और कि दीपक आप कह रहे थे, इसका एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र एजेंडा है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आने वाले समय में योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, इसका आज पूरा रोडमैप, पूरा खाका तैयार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो आज की इस बैठक में एक तरफ मुख्यमंत्री अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर मंत्री समूह की बैठक लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उनसे उनके विभागीय कार्यों में प्रगति पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री।